हेलो, दिस इज़ अज़रा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल अज़राज ब्यूटी पार्लर। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेयर एक्सटेंशन रेमेडीज लेकर आई हूँ। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है और ये हेयर जो मास्क अप्लाई करेंगे इससे स्प्लिट एंड रिमूव होते हैं, आपके जो दो मूंगे बाल हैं वो रिमूव हो जाते हैं, आपके बाल शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं, आपके बालों में वॉल्यूम आ जाता है। तो ये आप वीक में 2 टाइम्स ज़रूर यूज़ करें, इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है। और कोई भी होम रेमेडी है बहुत स्लो वर्क करती है बट बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैदा लेंगे, उसके बाद वैसलीन लेंगे। वैसलीन है, इसको पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। ये स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, ये किसी भी शॉप से इजली मिल जाती है। वैसलीन 1 टेबलस्पून डालेंगे, फिर इवियोन विटामिन ई के कैप्सूल लेंगे। ये 400 mg के कैप्सूल हैं और ये रेड कलर के हैं। जो रेड कलर के हैं वो हेयर्स के लिए यूज़ होते हैं और जो ग्रीन कलर के होते हैं वो फेस के लिए यूज़ होते हैं। रेड वाले अगर फेस पे अप्लाई करेंगे तो फेस पे आपके हेयर्स आ सकते हैं। टू विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे, इसमें रेड वाले कैप्सूल यूज़ करेंगे। आपके अगर हेयर्स हेल्दी है या लॉन्ग है तो कैप्सूल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, जैसे मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी भी क्वांटिटी बढ़ा देंगी आप, जैसे 2 की जगह 3 ले लेंगी, और एलोवेरा जेल और वैसलीन और मैदे की मिकदार भी बढ़ा देंगी। कैप्सूल को सीज़र से कट करें, और अगर सीज़र से नहीं तो किसी भी नीडल से आप होल करके इस तरह से उसका सीरम जो उसके अंदर है वो अच्छी तरह से निकाल लें, जो लिक्विड है वो इस तरह से अच्छी तरह से निकाल लेंगी आप। फिर एलोवेरा जेल लेंगे, अगर आपके पास रियल एलोवेरा है तो वो यूज़ कर लें, बहुत अच्छा है वो। ये एलोवेरा जेल स्मूथ जेल है। एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून लेंगे, फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद ये इस तरह का पेस्ट बन गया है, देखें, ना ज़्यादा थिक है और ना लिक्विड है, ऐसा पेस्ट बनेगा। सबसे पहले गाउन पहन लें या टॉवल पहन लें ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो, और कॉम कर लें अच्छी तरह से। चलें अब अप्लाइंग मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हेयर्स अच्छी तरह कॉम कर लें, हेयर पार्टिंग कर लें, जिस तरह से मैंने मांग निकाली है इस तरह से निकाल लें, और मिक्सचर लेते जाएं, अपने लेयर्स पे लगाते जाएं, लेयर्स से टिप्स तक लगाते जाएंगे अच्छी तरह से। हेड पे रूट पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ टिप्स तक लगाएंगे। जो अब हमारे टिप्स होते हैं वहीं पर स्प्लिट एंड ज़्यादा होते हैं, जो दो मुँह के बाल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस तरह लेयर्स पर लगाते जाएंगे अच्छी तरह से। इसके लगाने के बाद थोड़े से बाल स्ट्रेट से और जैसे कल्फ हो गया बालों पर इस तरह से हो जाते, जैसे हम हेयर एक्सटेंशन करवाते हैं तो उसके बाद भी हमारे बाल थोड़े से स्ट्रेट से और थोड़े जैसे लगता है कि कल्फ कर दिया बालों पे, इस तरह से फील होता है। ये आपके यूज़ करने से जो आपके बाल हैं उस पर वॉल्यूम आता है, हेयर शाइनी हो जाते हैं, जो रफली है वो क्लीन हो जाते हैं, फ्रीजी आउट हो जाता है आपके बालों का। तो ये लाजमी आप वीक में 2 टाइम यूज़ करें, इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। कोई भी होम रेमेडी है उसका रिज़ल्ट स्लो आता है बट 100% आता है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। मिक्सचर सारे बालों पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेंगे। देखिए मिक्सचर लगाने के बाद हेयर थोड़े स्ट्रेट स्ट्रेट से फील हो रहे हैं, ये देखें टिप्स भी ऐसे जैसे हार्ट से बिल्कुल हो गए। और जो आपके हेड पर जो ऊपर है सिर्फ इधर थोड़ा हल्का हल्का सा मिक्सचर अप्लाई कर लेंगे, हेड के बिल्कुल अंदर तक नहीं लगा रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर अप्लाई करना है इस तरह से, क्योंकि ऊपर बाल इतने रफली नहीं होते जितने नीचे होते हैं। हाफ़ आवर बाद हेयर वॉश करके टॉवल ड्राई करेंगे। ये देखें 1 टाइम में कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, हेयर फ्रीजी आउट हो चुके हैं और आपके हेयर्स ये देखें टिप्स कितनी स्ट्रेट सी फील हो रही है। अभी मेरे हेयर्स गीले हैं देखें, और शाइनी और कितने अच्छे स्मूथ से लग रहे हैं, ये देखें
ड्राई होने के बाद स्ट्रेट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन ये विदाउट स्ट्रेटनर कितने स्ट्रेट से लग रहे हैं ये देख सकती हैं आप। कोई भी होम रेमेडी बहुत स्लो वर्क करती है पर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता आपके हेयर्स पर। तो ये आप ज़रूर अप्लाई करें, वीक में 2 टाइम ज़रूर अप्लाई करें, मंथ में आप देखिएगा आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।